का इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए, नहीं तो हमास जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आपका इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए, नहीं तो हमास जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। कौन है? कौन बोल रहा है सर? फडणवीस कह रहे बड़ा खुलासा करेंगे। फडणवीस क्या खुलासा करेंगे? फडणवीस साहब को पूछे कि आपके साथ जो सरकार में बैठे हैं ना आरोपी और गुनेगार, उनके बारे में बोलिए। ये जो कोई पकड़ा है उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं। आपके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दादा भूसे, वो उस व्यक्ति को लेकर आया था शिवसेना में और बोल रहा था सर अपना एक खास आदमी है, हम उसको पार्टी में ला रहा हूं। वो भाजपा में बीजेपी में जा रहा था लेकिन मैंने पकड़कर शिवसेना में लाया, ये बोलने वाला आदमी है, आप उसको शिवबंधन मानिए। तब से हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, ना कभी हमारे कभी शाखा में गया है। वो फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि वो शिवसेना का नाशिक का प्रमुख था, बताइए कब था? वो तो हमारा बूथ का प्रमुख भी कभी नहीं था, कभी शिवसेना का मेंबर नहीं बना। फडणवीस साहब को बोलिए आपका इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए, नहीं तो हमास जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए। इसराइल को लगता था उनका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, हमारे पर कौन हमला करेगा, लेकिन भाई हो गया सुबह सब कुछ फेलियर हो गया। तो आपको लगता है कि आपका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है? नहीं, आपको कुछ पता नहीं है आपके पीछे क्या चल रहा है, आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। और बड़ी बड़ी बातें मत करिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। हमें मालूम है आपके मन के अंदर जो तूफान है निराशा का, वो हमें पता है, हम आपको पहचानते हैं।